नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। लाखों खर्च के बाद भी नहीं हो सके रेन कट बांध मरम्मत कार्य, जर्जर रह गई कंकरही गोन रहा बांध। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड जोगिया क्षेत्र के ककरही गोनराहा बांध, जो बूढ़ी राप्ती नदी के दाहिने तरफ नदी सुरक्षा को लेकर बनाया गया है और हर साल लाखों रुपए बांध के रेन कट मरम्मत कार्य को लेकर शासन द्वारा आवंटित किया जाता है, जिसके क्रम में कंकरही गोनराहा बांध पर देखा जाए तो रेन कट के अनुसार वर्षों से मरम्मत नजर नहीं आ रहा। जहां पर बड़े बड़े रेन कट देखे जा रहे हैं, वहीं गोनराहा वासियों का कहना है कि अगर इस ठीक से मरम्मत कार्य नहीं हुआ तो बांध कटना निश्चित है। पिछले साल काफी मशक्कत के बाद रोक पाया गया था। वहीं सिंचाई निर्माण खंड अभियंता राकेश सिंह का कहना है कि जनपद के सभी बांधों की मरम्मत कार्य कराया जा चुका है, इसके बावजूद बड़े बड़े रेन कट जैसे वर्षों से नहीं भरे गए हैं नजर आ रहे हैं। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। किस्त में हमको 75 लाख रुपए अनुरक्षण मद में प्राप्त हुए हैं। हमारे पास 22 बंधे हैं और लगभग 294.76 किलोमीटर बंधा हमारा है। हर बंधों पे जहां जहां रैंकट्स हुए हैं, पार्ट होल से ही होल हुए हैं, सबका मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। पूरे बंधों का जंगल सफाई का कार्य नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बजट थे। जहां जहां लिमिटेड बजट में अति आवश्यक कार्य थे उनको कराया गया है। सर, ये जो है सब डिविजन जैसे तीन। चाचा जी, ये हम देख रहे हैं कि बांध पर कहीं कई जगह भोंगा हो गया, कटान हो रहा है, तो आप लोगों को नदी सटा हुआ है, आपको डर नहीं लगता कि इस प्रकार से? डर लग रहा है। काम तो हम लोग चाहते हैं कि उनको बनवाया जाए, नहीं तो आगे तक काम चलेगा, गांव बह जाए तो क्या फायदा हम लोग का। मतलब इस पर मरम्मत कार्य नहीं हो पाए? मरम्मत होना चाहिए, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा मरम्मत। कितने दिनों से मरम्मत कार्य नहीं हो पाए? साल भर से ऊपर हो गया। हाँ, साल भर से ऊपर हो गया। मतलब इस सड़क पे हर साल सरकार पैसा खर्च करती है कि रेन कट है, जो इधर उधर होल है उसको बांधा जाए जिससे कटान ना हो, तो क्या इस पर काम नहीं हो पाया? नहीं, काम हो रहा है। हो रहा काम? नहीं, काम हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। रन कट वैसे देखा जा रहा है कि बड़े बड़े होल सड़क में हो गए, काम नहीं हो रहा है, कतई नहीं काम हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है चाचा अपना? बाबूराम। अच्छा, गांव के एक जिम्मेदार आप हैं और ब्लॉक के साथ किसान यूनियन अध्यक्ष हैं, तो अगर आपके गांव के साथ ऐसी घटना घटती है तो आप किसको जिम्मेदार, क्या बताएंगे? क्या बताएं हम, सरकार की, सरकार के काम, सारा काम सरकार खाते में है, सरकार चाहे करावे या ना करावे। अगर नहीं सरकार करवा रही तो क्या आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे? हम लोग उस पर लड़ाई करेंगे। अच्छा, लड़ाई करेंगे? हाँ, गांव बचाने के लिए। हाँ, बिल्कुल करेंगे, गांव बचाओ। क्या नाम है अपना? राम निवास गुप्ता। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि आपका ये जो ककरही गोनहा बांध है, गोनहा के गांव के दक्षिण तरफ देख रहे कई जगह होल हैं बड़े बड़े, तो इससे आप लोगों को क्या लगता है कटान का संभावना क्या बनता है आप लोग? अगर उसका सही ढंग से देखभाल नहीं होगा, ये मानकर चलिए इस साल बांध टूट जाए। अच्छा, आज लोगों को भय बना हुआ कि इस साल बांध कट सकता है? हाँ, अगले साल भी ऐसा था कि मतलब कट जाएगा, लेकिन गांव के लोग जो है मेहनत करके बचा लिए बाढ़ में। अच्छा, लेकिन इस साल अगर बांध का रिपेयर नहीं हुआ सही ढंग से तो गांव वाले भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टूट जाएगा। यहाँ सड़क में पूरे दीमक लग गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से प्रत्येक साल इस पर खर्च करती है मरम्मत का? खर्च करती है, लेकिन बगैर टाइम के, जिस टाइम पे खर्च करना चाहिए उस टाइम पे खर्च नहीं करती है। अच्छा, समय से नहीं हो पा रहा, उसके बाद सही से हो भी नहीं पा रहा? सही से भी नहीं हो पा रहा और समय से भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, इस तरह से देखा जाए तो इस बांध पर कितने का होल होंगे लगभग? अरे नहीं, पचास लगभग, पच्चीसों जगह जो है होल, बड़ा बड़ा होल है, बड़ा बड़ा 2500 जगह। सर, प्रशासन नहीं इसको ध्यान दे रहा? कुछ नहीं ध्यान दे रहा, बस खाली मिट्टी डलवा दिए हैं, बोरी डलवा दिए हैं, वो बोरी से क्या होने वाला है? नहीं, मैं देखा हूँ आज भी होल ऐसे खाली पड़े हैं एकदम, फिर भी बैठ गया हो, पिच से सटा हुआ देखा जा रहा है, पूरा पिच कट गया है, लेकिन बहुत बड़े होल पड़े हुए हैं।